आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन को लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की सूचना। देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों के दफ्तरों पर छापे। नाराज छात्रों ने मुख्यमंत्री के वाहन को घेरा। निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर। शहर के विकास की तरफ दुर्लक्ष पर पूर्व विधायक रमेश कुर्जी का आरोप। महत्वाकांक्षी परियोजना का उत्साह के साथ समर्पण। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए। आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। ओमिक्रॉन ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को जगा दिया है और इस पृष्ठभूमि में पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को जरूरी निर्देश जारी करते हुए जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू का आदेश दिया है। केंद्र ने राज्यों से यह भी कहा कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन 3 गुना अधिक संक्रामक है और इसे रोकने के लिए वॉर रूम की जरूरत है। केंद्र ने राज्यों को बड़े पैमाने पर टेस्टिंग, रात्रि कर्फ्यू और भीड़ नियंत्रण जैसे मुद्दों पर कुछ निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र भेजकर स्थानीय नीति पर ध्यान देने को कहा है। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर गाइडलाइंस भी जारी की जाए। यदि पिछले सप्ताह की सकारात्मकता दर 10% या उससे अधिक होगी तो दिशा निर्देश किए जा सकते हैं। इस बीच केंद्र ने स्पष्ट किया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समझे जाने पर पहले भी निर्णय ले सकते हैं। केंद्र ने रेखांकित किया है कि ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा अभी भी देश के कई हिस्सों में मौजूद है। देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों के दफ्तरों पर छापे। बुधवार सुबह से ही देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई शहरों में सुबह 9 बजे से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को खबर आई थी कि नेपाल ने कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। पता चला है कि चीनी मोबाइल कंपनियों ने नियम तोड़े हैं और अब उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल कंपनी ओप्पो और शाओमी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने ओप्पो ग्रुप से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों, निर्देशकों, सीएफओ और अन्य अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की है। नेपाल ने मंगलवार को कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। इसके अलावा चीन को नेपाल के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से भी रोक दिया गया था। अब उस ऑपरेशन में भारत ने चीनी कंपनियों पर भी हमला बोल दिया है। नाराज छात्रों ने मुख्यमंत्री के वाहन को घेरा। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के माध्यम से लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों ने लगातार मांग की है। हालांकि नाराज छात्रों ने सीधे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के वाहन को घेर लिया, क्योंकि विश्वविद्यालय ने इसकी अनदेखी की। घटना हीरे बागीवाड़ी में हुई। हीरे बागीवाड़ी में रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय का नया केंद्र स्थापित किया जाएगा। बुधवार दोपहर को केंद्र भवन का शिलान्यास समारोह होना था। छात्रों ने विरोध किया और मुख्यमंत्री के वाहन को घेर लिया, साथ ही अपना गुस्सा जाहिर किया। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय ने चौथे सत्र में पढ़ने वाले SC/ST छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, लेकिन छात्र इससे वंचित है। बताया जाता है कि इस योजना में कोई अनुदान नहीं मिला। छात्रों का कहना है कि लैपटॉप नहीं मिलने से प्रोजेक्ट का काम प्रभावित हो रहा है। यह भी मांग की गई कि अनुदान को तत्काल मंजूरी देकर समस्या का समाधान किया जाए। निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर। राज्य के श्रम मंत्री शिवराम हेब्बर ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वे बुधवार को तिलकवाड़ी में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। बेलगाम दक्षिण शिविर का आयोजन अभय पाटिल की पहल पर किया गया था। शिविर का आयोजन कर्नाटक राज्य निर्माण कर्मचारी विकास बोर्ड, क्रेडाई और हिंद लैब्स के सहयोग से किया गया था। इसका अधिकांश कार्यकर्ताओं ने फायदा उठाया। क्रेडाई के पदाधिकारी के साथ साथ बिल्डर भी बड़ी संख्या में मौजूद थे।
शहर के विकास की तरफ दुर्लक्ष, पूर्व विधायक रमेश कुर्ची का आरोप। बेलगाम शहर में इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस अधिवेशन में बेलगाम शहर के विकास के मुद्दे की अनदेखी की गई है। शहर में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में भी कई खामियां हैं। बेलगाम के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन त्रुटियों को सुधारने में अक्षम्य रूप से उपेक्षा की है। उन्होंने स्मार्ट न्यूज से कहा कि विधानसभा में लंबी चर्चा में समय बर्बाद करने के बजाय विकास के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पूर्व विधायक जो दो बार विधायक रह चुके हैं, रमेश कुर्ची ने शहर के विकास पर विशेष अध्ययन किया है। उन्होंने बेलगाम में प्रगति के मुद्दे पर लगातार सुझाव दिए। कुछ समय तक राजनीति से दूर रहने के बाद अब वो राजनीति में वापस आ गए हैं। इस प्रकार उन्होंने अधिवेशन के कार्यप्रणाली पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। शहर के विस्तार के लिए बूढ़ा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को शामिल करने की योजना है, लेकिन इसकी प्लानिंग ठीक से होती नहीं दिख रही है। उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। उन्होंने हलगाम मच्छे बाईपास सड़क के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास करने में जनप्रतिनिधि उपेक्षा कर रहे हैं। महत्वाकांक्षी परियोजना का उत्साह के साथ समर्पण। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को बेलगाम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इन परियोजनाओं को अत्याधुनिक तरीके से स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सुविधाएं मुहैया कराना है। उन्होंने बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके की भी पहल की सराहना की। बेनके ने पिछले 1.5 साल में बेलगाम उत्तर मंडल में कई विकास कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने इन विकास कार्यों का उद्घाटन किया। नेहरू नगर स्थित माहेश्वरी अंध स्कूल के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुसज्जित स्टेडियम का उद्घाटन समारोह मंगलवार शाम नगर निगम के नए एनेक्स भवन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल, शहरी विकास मंत्री बसवराज भैरती, विधायक अभय पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaon. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaon Vasiyon ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant. Social distancing ka khayal rakhte hue, hamara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243-5777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। 5 मराठा लाइट इन्फंट्री रॉयल बटालियन का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन गणेशपुर रोड स्थित लोकमान्य भवन में किया गया। अतिथि कर्नल HW मार्टिन थे, जो 1971 के युद्ध का एक अनुभवी थे। इस मौके पर कैप्टन संभाजी देसाई, कैप्टन उमाकांत नाइक, कैप्टन वसंत राणे मौजूद थे। साथ ही कर्नल M डिसूजा, मेजर वरुण ढिंगरा भी मौजूद थे। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए। उसके बाद कैप्टन अरुण सावंत और सूबेदार मेजर हनुमंत गुरव ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की पूजा की। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। सूबेदार मेजर पांडुरंग शिवने ने दर्शकों का स्वागत किया। इस समय
मराठा लाइट इन्फंट्री के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन प्रकाश झेंडे ने दर्शकों को इन्फंट्री के काम के बारे में जानकारी दी। आयोजन से पहले रक्षा प्रमुख बिपिन रावत सहित योद्धाओं का अभिनंदन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने मराठा लाइट इन्फंट्री के प्रेरक गीत की प्रस्तुति दी। कैप्टन भाऊराव पाटील, पांडुरंग शिवने, प्रकाश बेळगावकर, रघुनाथ मंडोलकर, अशोक पाटील, अशोक काकतीकर, शिवाजी पाटील, यल्लाप्पा चिखलकर, अनिल पाटील, मारुती गावडा, मर्त्यप्पा शिंदे, दीपक जोशी और अन्य ने हनुमंत गुरव के नेतृत्व में कड़ी मेहनत की। मराठी विद्यानिकेतन द्वारा माहेश्वरी नेत्रहीन विद्यालय का दौरा। मराठी विद्यानिकेतन स्कूल के छात्रों ने हाल ही में माहेश्वरी अंध स्कूल का दौरा किया। इस पहल के माध्यम से समाज में जिद्दी बच्चों के छात्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने का संकल्प सफल रहा। बच्चों को इस बारे में जानकारी दी गई कि नेत्रहीन छात्र अपना दैनिक जीवन कैसे जीते हैं और वे शिक्षा में कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। छात्रों ने कहा कि इस गतिविधि से उन्हें उचित मार्गदर्शन मिला है। इस पहल के लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक इंद्रजीत मोरे और गजानन सावंत ने मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके लिए माहेश्वरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड की प्रधानाध्यापिका अनिता गावड़े ने विशेष सहयोग दिया। हलगा क्षेत्र में धान की कटाई में तेजी। बेलगाम तालुका के हलगा इलाके में धान की कटाई का काम जोरों पर है। देखा जा रहा है कि किसान मशीनों की मदद से थ्रेसिंग के काम में लगे हुए हैं। फसल कटाई के दिनों में किसान अपने काम में लगे हुए हैं। नतीजतन आसपास के सभी उपनगरों में थ्रेसिंग कार्य ने गति पकड़ ली है। बीज की अवधि के दौरान रुक रुक कर हुई बारिश ने कृषि गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हालांकि अब ठंड के मौसम में किसान खेती का काम करने के लिए दौड़ पड़े हैं। पूरे तालुका में धान की फसल की कटाई हो चुकी है। कई जगह मजदूरों की कमी है, इसलिए मशीनों की मदद से कटाई में तेजी लाई गई है, जिसे तालुका के सभी हिस्सों में देखा जा सकता है। सामरा में फिर शुरू हुआ गुड़ बनाने का उद्योग। सामरा में गुड़ उत्पादन का केंद्र बेलगाम तालुका की एक विशेषता है। गन्ना उत्पादकों के लिए गुड़ उत्पादन को एक महत्वपूर्ण परियोजना माना जाता है। हालांकि ये एक अलग और कठिन परियोजना है। पारंपरिक तरीके से गुड़ की निर्मित के लिए किसान कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गुड़ बनाने के लिए एक कड़ाही में गन्ने का रस गर्म आग पर डाला जाता है। जैसे जैसे बदलते समय के साथ चीनी मिलों की संख्या बढ़ी है, गुड़ उत्पादन के बजाय गन्ना मिलों में जाने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए यह गुड़ प्रकल्प की संख्या जो कभी 21 अब केवल 4 है। ऐसे में क्षेत्र के कुछ गन्ना उत्पादकों ने इस परंपरा को कायम रखने का काम किया है। उनमें से एक है भुजंग केदारी जोई और उनके भाई ज्योतिबा जोई। उन्होंने मंगलवार से अपने प्रकल्पों की शुरुआत की। इसके पूर्व पूजा अर्चना की गई। निपानी में वार्ड नंबर 24 में सड़कों के लिए नागरिकों का आंदोलन। निपानी में अड़के प्लॉट से कब्रिस्तान तक का रास्ता पिछले कई सालों से पक्का है। इस सड़क पर म्यूनिसिपल हाईस्कूल विद्या मंदिर हाईस्कूल, खैर मोहम्मद पठान हाईस्कूल और भीमनगर नेसरीकर प्लॉट विद्यानगर अंबाजरी के छात्रों की भीड़ लगी रहती है। यह सड़क कई दिनों से खराब स्थिति में है, जिसे कई हादसे हो चुके हैं। इस सड़क पर बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए आईएम संस्था का अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया और निपानी नगर आयुक्त जगदीश हुलगे जी को घेर लिया। आयुक्त ने नागरिकों से बात करते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 24 की महिला नागरिक मौजूद रही। दुपहिया वाहन दुर्घटना में युवती की मौत। निपानी से ममदापुर जा रहे होंडा दुपहिया वाहन को ओवरटेक करते समय एक तेल टैंकर ने टक्कर मार दी। बाइक सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पता चला है कि चालक उमाकांत कामले बाइक से उतर गया था। उनके पीछे सुप्रिया उमाकांत कामले बैठी थी। सुप्रिया उमाकांत कामले को एक टैंकर ने टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक उमाकांत कामले घायल हो गए। यहाँ पेट्रोल पंप के सामने जैसे ही घटना हुई, वहाँ मौजूद नागरिकों ने टैंकर चालक को पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही निपानी ग्रामीण थाना के फौजदार अनिल कुंभार अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी रही। घटना गांव के पास हुई और दुर्घटना स्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। आगे की पूछताछ के लिए टैंकर चालक बसनवड़ा सिद्धनायक नायकर को हिरासत में ले लिया गया है। अमृत पोद्दार ने बेलगाम स्पोर्ट्स को हराया। अमृत पोद्दार ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ की मंजूरी से KSCA ग्राउंड ऑटोनगर में मंगलवार को धारवाड डिवीजनल और ग्रुप सीनियर चेन लेदरबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में बेलगाम स्पोर्ट्स को 50 रनों से हरा दिया। अमृत पोद्दार स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 232 रन बनाए। गौतम दिलीप ने 50, वैभव कोरीबागे ने 41, रवि उकली ने 50 और अमन खान ने 36 रन का योगदान दिया।
तिलकवाड़ी डिवीजन सेंट पॉल डिवीजन के साथ हनुमान कप जीता। तिलकवाड़ी फिजिकल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा अनगोल स्थित संत मीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैदान में आयोजित संत मीरा स्कूल की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिलकवाड़ी डिवीजन ने वॉलीबॉल में तिलकवाड़ी डिवीजन और थ्रोबॉल में सेंट पॉल स्कूल के साथ हनुमान कप जीता। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ थ्रोअर नीता तुकर, सर्वश्रेष्ठ कैचर सिल्विया डेलिमा, सर्वश्रेष्ठ डिपेंडर विनायक बिचोलकर, सर्वश्रेष्ठ स्मॅशर श्रीधर हिरेमठ, सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक विनायक कंगरालकर, अनुशासित टीम संत मीरा छावनी स्कूल को आकर्षक ट्रॉफियों से सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।